राजधानी लखनऊ के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने लोक सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करी है, हमारी सरकार लोक सेनानियों के साथ खड़ी है। देश में कुछ विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है और इसे कांग्रेस की सरकार देश में लाना चाहते हैं, जिसने इमरजेंसी लगाई थी। वही अखिलेश यादव के प्रश्न पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे देश प्रदेश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जा रही है और अखिलेश यादव नौटंकी करने के लिए JPNIC गए हैं। पूरे प्रदेश में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है आज, पूज्य हमारे नाना जी देशमुख जी की भी जयंती है और इस देश में विशेष तौर से हिंदू धर्म ग्रंथों के जो निर्माण करने वाले, छपाई करने वाले, प्रकाशन करने वाले गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इनकी भी जयंती, इनके जयंती पर तीनों लोगों को मैं नमन करता हूं। और आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन भी है और इस सम्मेलन में आए हुए लोकतंत्र सेनानियों का प्रदेश की सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्होंने कुछ मांग पत्र सौंपे, उसको सरकार के स्तर पर विचार करके उनका समाधान करने का काम करेंगे। अरे आज तो लोकतंत्र की हत्यारी जो कांग्रेस पार्टी है उस पर श्री अखिलेश यादव जी के क्या विचार, इस पर बोलना चाहिए। कहां क्या रोका गया है, क्या नहीं, कि मुझे जानकारी नहीं है।